हमीरपुर जिला के दिव्य आदर्श विद्या पब्लिक स्कूल भोटा में नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना और हवन पूजा के साथ किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक बीआर भारद्वाज, कंचन भारद्वाज के अलावा प्रिंसिपल और स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। हवन यज्ञ पूजा के दौरान स्कूल के बच्चों ने भी आहुतियां डाली। हमीरपुर जिला के दिव्य आदर्श विद्या पब्लिक स्कूल भोटा में नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना और हवन पूजा के साथ किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक बीआर भारद्वाज, कंचन भारद्वाज के अलावा प्रिंसिपल और स्टाफ भी मौजूद रहा। हवन यज्ञ पूजा के दौरान स्कूल के बच्चों ने भी आहुतियां डाली। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक बीआर भारद्वाज ने कहा कि पिछले 22 सालों से स्कूल की कोशिश रहती है कि विधिवत कक्षाओं का संचालन पूजा अर्चना के साथ हो, इसी के चलते आज हवन पूजा की गई है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में भी स्कूल का परिणाम 100% रहा है, जिसके लिए छात्र बधाई के पात्र हैं। पिछले 22 सालों से जब से हमने स्कूल की स्थापना की है, उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारी ये प्राथमिकता रहती है कि जब भी हम नए सेशन में एंटर करें और उसका विधिवत तौर पर संचालन कक्षाओं का करें, तो उस दौरान हमारी ये धार्मिक प्रवृत्ति के होने के नाते और एक शिक्षण संस्थान होने के नाते ये हमारा दायित्व भी रहता है और एक हम इसको मतलब यह यूँ कहेंगे एक सोशल ढंग से भी इसको हम अगर समझें या सोचें तो बच्चों का कोई भी काम, जैसे हम घरों में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए हवन या कोई पूजा पाठ विधिवत तौर पे करते हैं, उसी ढंग से अगर हम शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं तो हमारी ये प्राथमिकता रहती है कि बच्चों का जब भी सेशन स्टार्ट हो और कक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन हो, उससे पहले स्कूल में हवन यज्ञ करवाया जाए ताकि बच्चों को मानसिक तौर पर उसकी स्ट्रेंथ मिले। ये बोर्ड की कक्षाएं पास आउट होनी शुरू हुई हैं, तब से लेके आज दिन तक बिलो 90% का भी रिजल्ट नहीं रहा, अब 90% रहता है और समटाइम 100% भी रहता है। इस बार भी हमारा 97% रिजल्ट है, जिसमें से आप अगर रिजल्ट को देखेंगे तो 29 बच्चों में से हमारे नियर अबाउट 15 बच्चे जो हैं वो अब 80% से पास हुए हैं। रिया कांगो जो हमारी जिस लड़की ने फर्स्ट स्टैंड किया है स्कूल में, वो भोटा से है, उसके 458 मार्क्स हैं। जिसने सेकंड पोजीशन ली है उस लड़के अनिकेत तो उसका नाम है, उसके 450 मार्क्स हैं। और थर्ड में विक्रम है लड़का, इसके 448 मार्क्स हैं। तो इन अंकों को देख करके हम उतने ज़्यादा प्रोत्साहित भी नहीं है और इतने ज्यादा अगर आप ये समझेंगे अगर हम ये कहेंगे भी रिजल्ट खराब है तो खराब तो है ही नहीं, आपके सामने है अंक, आपके सामने है परसेंटेज, आपके सामने है और इस प्रक्रिया को निरंतर बनाए हुए हैं हम कई सालों से। ये ठीक है, कभी कभी मन में थोड़ी सी तीस तो रह ही जाती है कि बच्चा हमारा 11th पोजीशन तो ले लेता है लेकिन वो 10th पोजीशन से चूक जाता है। और हमारे हर साल ये भरसक प्रयत्न रहते हैं कि हमारे स्कूल का बच्चा मेरिट में आए, पहले आए हैं हमारे 10th में बच्चे मेरिट में कई बार आए हैं लेकिन +2 की अभी तक हम उससे थोड़ा सा वंचित रह रहे हैं कि हमारा +2 का बच्चा टॉप नहीं कर रहा है। 11th पोजीशन में तो होता है, 12th पोजीशन में होता है, 30th पोजीशन में होता है। और यूँ कहें कि अगर पहले 100 बच्चों में से 5-7 बच्चे हमारे उस मेरिट में आते हैं लेकिन 10th पोजीशन या 1st पोजीशन नहीं आती है, इसके पीछे क्या कारण रहते होंगे उसके बारे में तो हम आज दिन तक समझ नहीं पाए। हाँ, जहाँ तक शिक्षा प्रदान करने की बात है तो उसमें हमारा स्टाफ कोई कोर कसर ऐसी नहीं छोड़ता है कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं हमारा सॉरी स्कूल का बच्चा top 10 में ना आए। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि दिव्य आदर्श विद्या पब्लिक स्कूल भोटा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है और यही कारण है कि कोई भी बच्चा स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में नहीं गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल से बच्चों का प्लान
कभी नहीं हुआ है, जिस कारण स्कूल पर अभिभावकों का अटूट विश्वास बना हुआ है। प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में बच्चों के पलायन का संबंध है, ये सत्य है, क्योंकि आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि फलां सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी। परंतु हमारी पाठशाला से आज तक कोई भी विद्यार्थी पलायन करके सरकारी स्कूल में नहीं गया है। अगर 0.1% या 1% गया है तो इसलिए गए होंगे क्योंकि 10th के बाद हमारे पास सिर्फ साइंस स्ट्रीम है, और अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है या आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है तो वो जाते हैं, छोटी कक्षाओं में पलायन नहीं होता है। फिर भी अगर कोई जाता है तो वो कहीं अपनी मजबूरियों की वजह से हमारे से अच्छे किसी संस्थान में जाता है। हमारे स्कूल से आज तक का हमारा रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, कोई भी बच्चा जो है वो प्राइवेट हमारे स्कूल से सरकारी स्कूल में नहीं जाता है।